बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको बताऊं कि आरडी बर्मन को भी मौका देने वाले वही हैं, और राजेश रोशन को भी पहला मौका दिया था अपनी फिल्म में, और इस तरह लोगों को काफ़ी इनक्रेज करते थे, मौका दे ब्रेक देते थे, तो ऐसे आदमी कहाँ हैं आज इस दुनिया में, नहीं है। ऐसे हाँ, आदमी राइट है। वो भी काफ़ी स्ट्रगल करके आए, पहले तो वो विलन बने थे सीआईडी में, छोटे 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 रोल करते 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 वो फिर राज कपूर के साथ एक परवरिश पिक्चर में आए, तो उसके बाद उनका बहुत नाम हुआ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, महमूद साहब का ऐसा था कि वो सबके लिए करते थे, यहाँ तक कि अपने पूरे ख़ानदान के लिए उन्होंने किया, अपने भाइयों के लिए किया, बहनों के लिए किया, और जब तक जिंदा रहे सो वो सबके लिए ही करते थे, जो भी उनसे बन सकता था सबकी मदद करते थे, हेल्प करते थे, तो ही वो सच अ नाइस पर्सन, आई मिस हिम अलॉट। तो ईद का दिन था, तो और मैं वो गाना गा चुका था, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, तो उनसे मिलने में चले, उनको देखने की बड़ी ख्वाहिश थी मुझे, मिलने की, देखने की, उनका गाना सुनने की। तो आप यकीन कीजिए कि इतने बड़े आदमी, जब वॉचमैन ने बताया कि कोई अनवर आया है मिलने के लिए, तो खुद चल के बाहर आए मुझे रिसीव करने के लिए। उनके साथ उनके लंदन के बेटे भी थे, जो लंदन में रहते थे उन दिनों, वो भी थे और भी कुछ लोग थे, तो आके उन्होंने हाथ मिले, गले वले मिलाया मिले, फिर कहने लगे ये अनवर, जो आस्ते से बात करते थे वो, ये अनवर है, मेरी तरह गाता है, लोग कहते हैं मेरा बेटा है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ साहब, मैम साहब बोलते थे उनको, तो नहीं, ऐसे आइए अंदर चलें। तो मैं इतना डर गया, मेरे हाथ पर पैर पैर कांपने लगे, मुझे कहा उन्होंने चाय पीने तो मेरे हाथ कांपेंगे, तो मैं बोला नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो मैं गेट से ही वापस चला गया। जो हमने वक्त देखा है, तो आज के सिंगर के लिए मुश्किल है, क्योंकि आज सिंगर एक गाना गाता है, कल उसको वो लोग भूल जाते हैं। हमने जो गाने आज 25 साल पहले, 30 साल पहले भी गाए, तो आज लोगों को याद हैं वो गाने, सो दैट्स वाई आई एम वेरी लकी। नहीं, आप सुन के गाना अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये गाना ये फलां नाम का है या इसका है या उसका है, किसका पता नहीं, जब तक आप सुन न लें। इसमें क्या होता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो बहुत दखल अंदाजी करते हैं, हमको ऐसा गाना तुम बना के दो, वो कहीं उन्होंने अंग्रेजी सुना है गाना, तो वो उनको टेप या कुछ वो ला के देते हैं कि आप ये सुन के इस तरह का गाना बनाइए, तो वो भी मजबूर हैं, तो उनको उसी टाइप का कुछ गाना बनाना पड़ता है, तो फिर उनकी अपनी पहचान कहाँ रह जाती है। बहुत कुछ होता है आजकल, एक एक लाइन भी गा सकते हैं, अगर आपने कुछ एक लाइन कुछ आउट ऑफ ट्यून गा ली है कुछ है, तो उसको दोबारा एक लाइन गाइए, एक एक लाइन गाइए, बहुत ईजी हो गया।